Now the second thing is this, that what is wrong in that? If something is wrong, then what are the remedy? तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारी प्रैक्टिस कुछ भी हो सकती है, शादी करने की प्रैक्टिस हो सकती है, सक्सेशन की प्रैक्टिस हो सकती है, हमारे यहाँ एडॉप्शन मेंटेनेंस की प्रैक्टिस हो सकती है, हमारे यहाँ गार्जियनशिप की प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन सवाल उसमें सबसे बड़ा ये है कि अगर उसमें कोई ग्रीवांस होती है देन वॉट इज द सोल्यूशन, सो हु विल प्रोवाइड यू द रेमेडी। तो जो जो बहुत बड़ा भ्रम यूसीसी पर है वो ये है कि साहब हमारी प्रैक्टिस पर इफेक्ट आ रहा है, कि हमारी प्रैक्टिस दूसरी है और हमारी प्रैक्टिसेस पर इफेक्ट आ रहा है, और हम प्रैक्टिस क्योंकि हमारा रिलीजियस मैटर है और रिलीजियस मैटर है, हमारी क्षेत्रीय प्रैक्टिस है, हमारी ट्राइबल प्रैक्टिस है, हमारी एससी प्रैक्टिस है, हमारी अगड़ा है, पिछड़ा है, बहुत सारे चीजें हैं। कोई कहेगा हम समुद्र के किनारे रहते हैं, तो कोई कहेगा हम पहाड़ के ऊपर रहते हैं, हमारे भैया ऐसी ऐसी प्रैक्टिस है। तो इसलिए उस पर प्रश्न है कि भाई ये है सवाल। देखिए जब कानून कहीं बनता है वन लैंड वन लॉ के नाम से जब हम बनाते हैं, और हमको ये लगता है कि इन इन स्थानों पर कानून को अभी अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज कि वहां लोगों को समझाना पड़ेगा, बिकॉज द पीपल आर नॉट इन द मेन स्ट्रीम, क्योंकि मेन स्ट्रीम में अभी लोग नहीं है, इसलिए वी पुट अप अ लॉ विद अ सम एक्सेप्शंस, हम उसमें अपवाद रखते हैं, और अपवादों में ये कहते हैं कि भाई व्हेनेवर द टाइम विल कम एंड व्हेनेवर द पीपल विल कम इन द मेन स्ट्रीम देन वी विल अप्लाई एज ए होल, अदरवाइज वी हैविंग सम एक्सेप्शंस फॉर दीज एंड दीज पीपल्स। तो ये होता है ट्राइबल एरिया में भी, हम कहते हैं कि भाई ये अभी लागू नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी वो लागू लेकिन कर सकता है, स्टेट अपने यहाँ एटमोसफियर देखेगा, मेन स्ट्रीम देखेगा और उसको लागू कर देगा, लेकिन अभी हम उसको पूरा लागू नहीं कर रहे हैं, बाकी जो मिनिस्ट्रीम में आ गया है वो उसके लिए लागू करते हैं। तो कानून बनाते समय हम वो चीजें देखते हैं। अब कानून का निर्माण जिस समय हो रहा है उस समय रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिलीजन इज योर पर्सनल, बहुत पर्सनल का मतलब है कि हाउ टू मीट विद आवर गॉड, रिलीजन का मतलब बिल्कुल साफ है, मैं अपने परमेश्वर, मैं अपने अल्लाह, मैं अपने भगवान, मैं अपने ईस्ट के साथ कैसे संवाद करूंगा और उसका मेथड क्या होगा हमारे परमेश्वर से हमारी मीटिंग का, और उनसे मैं कैसे आग्रह करूंगा, उनके लिए मैं कैसे किस प्रकार से सिद्धांतता प्रेयर करूंगा, दैट इज वेरी पर्सनल एंड इट्स रिलीजियस। Involved in that, then what is personal in that? तो जब दो या दो से अधिक लोग involved हो जाएंगे तो personal क्या रह जाएगा? There may be the privacy, privacy हो सकती है दो लोगों की, तीन लोगों की, चार लोगों की, लेकिन personal क्या रह गया? जहां पर दो समाजों ने, दो परिवारों ने विवाह संबंध स्थापित किया, जब पूरे परिवार के succession का number आए, जब पूरे परिवार में guardian कौन हो इसका number आए, एडॉप्शन के बाद सक्सेशन का नंबर आए, पिता के जाने के बाद जो जो कोपार्सनर है उसके जाने के बाद सक्सेशन का नंबर आए, सो दैट इज नॉट पर्सनल, ये पूरे परिवार का मामला है, ये दो परिवारों का मामला है विवाह, तो इट्स नॉट अ पर्सनल, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैविंग सम डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ पर्सनल। यहां पर जब हमने कानून बनाया तो कानून बनाते समय हम ये सोचते हैं कि इफ यू विल डील ईच एंड एवरी पर्सन विद द सेम हॉकी विद द सेम रूल देन द चांसेस ऑफ अनइक्वलिटी विल मिनिमाइज या इनइक्वलिटी विल मिनिमाइज। तो हम तो यही कर रहे हैं कि इनइक्वलिटी ना हो और सब इक्वल ट्रीटमेंट हो, नो वन हैविंग सम प्रिविलेजेस,
और किसी के पास प्रिविलेज नहीं होना चाहिए और किसी को पीछे डिमिनिश नहीं करना चाहिए. तो सबके साथ इक्वलिटी हो, एवरी वन मस्ट बी ट्रीटेड बाय द इक्वल रूल. और तभी हम इक्वलिटी ला सकते हैं. अगर हम अलग अलग नियमों से लोगों को ट्रीट करेंगे तो इट इज पॉसिबल दैट सम पर्सन सम प्रोविजंस आर वेरी मे गिव वेरी प्रिविलेज टू सम पर्सन एंड इट इज पॉसिबल दैट I am not able to get the benefit of these privileges, then I will be angry and will cry. तो भाई दूसरे किसी को privilege क्यों चला जाए या मुझे पीछे क्यों फेंक दिया जाए? ये differences society के differences का कारण बनता है और countryओं में country के अंदर ये आपस में वैमनस्यता का कारण बनता है और झगड़े करवाता है. इसलिए सदैव प्रयास किया जाता है कि भाई कोई भी कंट्री है उसमें इक्वल लॉ सबके लिए हो. अब वो जो इक्वल लॉज हैं उसमें हमको 10th ऑफ अक्टूबर 1949 का एक लेटर जो कि सरदार पटेल ने भेजा था क्योंकि वो बीमार थे तो उन्होंने भेजा था केएम मुंशी के हाथों. केएम मुंशी ने उसको पढ़कर सुनाया था और उन्होंने ये कहा कि सरदार पटेल ये चाहते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, चार तरह के अलग अलग राज्य हुआ करते थे और पार्ट बी स्टेट्स जिनको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स, उनको सबको अलग संविधान बनाने का अधिकार हमने शुरू में दिया था कि भाई लोकल इश्यूज आप अपने कर लो. नाउ सरदार पटेल्स लेटर सेड दैट नो, वी डोंट वॉन्ट टू इन्फोर्स द लॉ that gives some power to one state, to the people of one state and different powers to the people of different states. But the citizenship is single. हम भारत के नागरिक हैं लेकिन एक राज्य में दूसरे अधिकार हों और दूसरे राज्य में दूसरे, दो लोगों के बीच में कंपेरेटिव स्टडी करी जाए तो राज्यशाह आपस में वैमनस्यता हो जाए, ये नहीं चाहते. That is why the portion of fundamental rights and and directive principle of state policies will be enforceable to all the states equally. इसलिए चाहे वो part A state हो, चाहे B state हो, चाहे C state हो या D state हो, सभी में लोगों के fundamental right एक तरह से होंगे. राज्य की वजह से, princely state की वजह से, राज्य के कुछ डिफरेंस की वजह से लोगों के फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिफरेंट नहीं होनी चाहिए. दीज ऑल विल बी एप्लीकेबल टू ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया इक्वली. अब जब ये शब्द इस्तेमाल कर दिए कि सबको बराबर इस्तेमाल करना है, देन द क्वेश्चन अराइजेस इफ सम पीपल आर नॉट इन द पोजिशन टू अडॉप्ट द लॉ. Right now, it is possible that some people are not in the position to adopt the law, like the tribal people. They are not always in the position to adopt the law equally as it is in enforcement in other states. It is also possible that some families have in their own culture, that is why they are not able to adopt it in the equity. But directive principle of state policies are saying that right now you are not able to adopt it. But this is the direction to the state that they have to convince these people and they have to make the atmosphere that these people are convinced and they are adopting that and they must have to adopt. तो वो adopt उसको कर लेंगे. इसके लिए equality का माहौल बनाना है, harmony बनाना है, ये राज्य का काम है. So जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे सारे कानून सबके एक से होते जाएंगे और भारत में रहने वाला एक कोने से दूसरे कोने का इंसान एक से ट्रीटमेंट से ट्रीटेड होगा और उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा. ये एक बेसिक फंडामेंटल थिंग है. अब हम कहते हैं कि ऑल द क्रिमिनल लॉज आर इन्फोर्सेबल टू ऑल द पीपल इन इंडिया फ्रॉम 1862. जिस समय आईपीसी आई थी तो हमने कहा भैया आईपीसी आई है तो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट होता है, इसलिए राज्य के खिलाफ कोई भी कानून होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, उस पर इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे और हम उसको जेल भेजेंगे. तो वो इक्वल ट्रीटमेंट के लिए हमने 1860 में आईपीसी, 1862 में उसको अप्लाई कर दिया, फिर एविडेंस एक्ट बना दिया, फिर सीआरपीसी बना दी, फिर तमाम तरह के लॉ हम बनाते चले गए. लेकिन सिविल लॉस में हम
सरकार ने उस समय ये सोचा कि दिस इज नॉट इफेक्टिंग टू द इंग्लिश पीपल बिकॉज दीज आर द पर्सनल मैटर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाई इट इज नॉट इफेक्टिंग अस, सो व्हाई वी हैव टू इन्फोर्स द सिविल लॉज टू ऑल पीपल. लड़ते मरने दो, जितना ये लड़ेंगे मरेंगे उतना ही अंग्रेज सरकार के लिए आसान है, और जितना ये आपस में विवादित रहेंगे, आपस में भिड़े रहेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है. ये उस समय की सरकार की सोच हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया. बट कैंपस कनेक्टेड आ गए क्या? Thank you.